वो भूत जब इमली के टहनी पर लटक के झूल रहा था, तभी जंगल की तरफ से एक सुरेली आवाज आने लगी। असल में वो सेवड़ा ब्रिक्स का सालिक पंछी कल्किपुर गांव के सामने सड़क के बीच एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। वहाँ पर ना जाने कहाँ से एक भूत आके रहने लगा। वो कभी पेड़ पर बैठा रहता था तो कभी पेड़ की टहनी पर लटक कर झूलता था और खाता था इमली। एक दिन उसी पेड़ के नीचे से जा रहा था हरू नाई। हे नाई, तू कहाँ जा रहा है रे? कौन कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ ऊपर, देख देख। अरे बाप रे, ये तो भूत। तभी भूत पेड़ से कूदकर झट से उसके कंधों पर बैठ गया। ये ले इमली खा। नहीं, मैं इमली नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो। पहले ये पांच इमली पूरा खा, उसके बाद छोड़ दूंगा मैं, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। जो उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, वो भूत उन सबको पकड़कर जबरदस्ती इमली खिलाता है। एक दिन रामू उसी रास्ते से अपने बकरी को लेकर जा रहे थे, तभी उस पेड़ के नीचे पहुंचते ही, अरे ये तो बकरी है, कितना मोटा। ये कहकर वो भूत बकरी को पेड़ पर चढ़ा लिया। ये कौन है जी, कौन है मेरी बकरी चुराया? और तुरंत ही भूत गायब हो जाता है, लेकिन फिर से वापस आकर कहता है, ए, तू उनका नाम क्यों ले रहा था? अभी मेरा धोती में ही हो जाता तो अब मैं तेरे को 10 इमली खिलाऊंगा। ये कहकर भूत रामू के कंधे पर चढ़ के बैठ गया। खा 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 जल्दी, नहीं तो तू और तेरा बकरी एक साथ मरेगा। अरे रामा, मुझे छोड़ा दादी, मुझे इमली नहीं खाना जी, आइयो कोई बचाओ। लेकिन भूत उसके कंधों पर बैठ के जबरदस्ती इमली खिलाने लगे। इसी तरह से वो भूत सारे गांव वालों को परेशान करने लगे। किसी का बकरी उठा लेता है, किसी का टिक्की पकड़ कर खींच देता है, तो किसी को हवा में उड़ाता है। ओरे बाप रे, मुझे नीचे उतार दो, मुझे छोड़ दो। इसी तरह जबरदस्ती वो सबको इमली खिलाने लगे और सारे गांव वाले इस इमली भूत के परेशानी से बचने के लिए एक सभा में बैठते हैं। तभी गांव के प्रधान ने कहा, सभी सुनो, वो इमली भूत को गांव से जल्दी ही भगाना पड़ेगा, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे भूत भगाए जी? मुझे लगता है इमली पेड़ के नीचे आग जलाने से धुएं में जैसे मधुमक्खी भागता है, वैसे ही भूत भी भाग जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी करेंगे। इसके बाद वो सब मिलके वही करते हैं, लेकिन भूत पेड़ के तनों में बैठकर ये मजा देखने लगे। अरे अरे, मुझे भगाने की साजिश हो रहा है, रुक, मैं तुम सबको पकड़ कर पूरा 1 किलो करके इमली खिलाऊंगा। जैसा सोच वैसा काम। वो इमली भूत इतना शैतान था कि सबको पकड़ कर जोर जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा करके इमली खिलाने लगे और सब उल्टी करते रहे, सबका दांत सर गए। बाप रे, वो एक भयानक कंड बन गया था। ऐसे स्थिति में एक दिन गना के पत्नी गना को खाना खाने के लिए बुलाती है। सुनते हो, खाना लगा दी है, आ जाओ। कैसे खाऊं मैं, दांत से दांत लगते ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। वो इमली भूत के बच्चे इतना इमली खिलाया, मेरा सब दांत सर गया है। ये क्या मुसीबत आ गया इस इमली भूत को लेकर, कहां से अटपका, सबको पकड़ कर जबरदस्ती इमली खिला रहा है और दांत सर के उल्टी करके सबका हालत खराब है। इसके बाद गना के पत्नी केतु के घर जाके केतु को बुलाने लगती है। देवर जी, घर पे हो क्या? कौन कौन बुला रहा है? मैं हूँ, तुम्हारा भाभी।
उस बदमाश इमली भूत को भगाने के लिए कुछ तो करो, नहीं तो हम सब इमली खा खा के मर जाएंगे। क्या करें भाभी जी, उस दिन देखा ना आपने, आग जला के भूत भगाने से क्या कांड हुआ। पहले 5 खिला रहा था, अब गुस्से में 1 किलो करके खिला रहा है। सुनो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, आओ मेरे साथ। फिर गना की पत्नी केतु को साथ लिए प्रधान जी के घर पहुंचती है और प्रधान को अपनी बुद्धि बताती है। ऐसी बुद्धि सुनकर प्रधान बहुत खुश होते हैं। फिर वाह वाह, बहुत अच्छी विचार सोची है गने के पत्नी, लेकिन इसके लिए तो तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद सारे गांव वाले मिलके तांत्रिक के पास जाके सब कुछ बताते हैं। सब सुन के तांत्रिक ने कहा, ठीक है, इसके लिए मुझे कठिन साधना और यज्ञ करना होगा, इसीलिए मुझे एक मरा हुआ सालिक पंछी और जंगल के बीच एक सेवड़ा वृक्ष लगेगा। जाओ मरा हुआ सालिक और सेवड़ा वृक्ष ढूंढ के लाओ। ये आदेश सुनकर वो वृक्ष और पक्षियों की तलाश में निकल पड़े। उन्हें देख भूत ने कहा, ए, तू सब कहाँ जा रहा है रे? रुक इमली भूत, अभी तेरा मजा चखाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या? रुक, अभी 2 किलो इमली खिलाता हूँ। अरे बाप रे, नहीं नहीं, तुम शांति से पैर में ही रहो। इसके बाद सभी वहाँ से जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चले गए और बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक मरा हुआ सालिक और एक सेवड़ा वृक्ष ढूंढ निकाले। चलो सब, अब तांत्रिक के पास चलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी। तभी भूत फिर से उन लोगों को देखकर बोला, क्यों रे, तुम सब मिलके वो मरा हुआ सालिक को लेने गए थे। चे, 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 चे। एक जिंदा मुर्गी पकड़ कर ही ले आता, कितने दिनों से मुर्गी नहीं खाया, उल्टा ये मरा हुआ सालिक लेके जा रहा है। तुम सबको पकड़ कर कच्चे इमली का शरबत पिलाना चाहिए। वहाँ से सभी तेजी से दौड़ के तांत्रिक के पास पहुँचे। फिर तांत्रिक यज्ञ शुरू करते हैं। बहुत देर तक यज्ञ करने के बाद वो सालिक को माला पहना के हाथ में लिए इमली के पेड़ की तरफ जाते हैं। तभी दूर से भूत उनको देख के बोला, अरे बाप रे, ये कौन है? अच्छा, तांत्रिक। ये तांत्रिक मरे सालिक को माला डाल के कहाँ चल दिए? तेरा शादी कराने के लिए बदमाश। भूत के साथ तांत्रिक मजाक कर रहा है, उसके पास बहुत साधना शक्ति है, मैं इसीलिए पास नहीं जा सकता, नहीं तो उसको अच्छे से सबक सिखाता। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन अमावस्या की गहरी रात में वो भूत जब इमली के टहनी पर लटक के झूल रहा था, तभी जंगल की तरफ से एक सुरीली आवाज आने लगी। असल में वो सेवड़ा वृक्ष का सालिक पंछी एक मायावी चूड़ल बनकर सुरीली गाना गाने लगती है। ओ मेरे भूत, तुम क्यों नहीं आते मेरे पास? मैं कितनी आस लगा के बैठी हूँ, कब बैठोगे मेरे पास? ओ मेरे भूत, ओ मेरे भूत, ओ मेरे भूत। ये सुरीली गाना सुनकर भूत चौंक के कहता है, ओ मेरी जान, ये तो चुड़ैल की आवाज लगती है, मुझे गाना गा के पुकार रही है। चुड़ैल मेरी जान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओहो, ये तो टूरू लव है। ये कह के भूत इमली के पेड़ छोड़कर जंगल के उस सेवड़ा वृक्ष में चले जाते हैं और वहाँ जाके चुड़ैल के साथ मजे में झूला झूलने लगते हैं। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे पिक्सटून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।